हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मवाना क्लासेस पर। और स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं समय और कार्य। समय और कार्य की तीन क्लास पहले अपलोड हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास की बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चौथी क्लास को। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। अपने 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि 40 लोग यदि काम करना शुरू करें, अगर 40 लोग काम करना शुरू करें और वो 40 दिनों तक ही काम करते रहे, अगर 40 लोग काम करना शुरू करें और वो 40 दिन तक काम करते रहे, तो सारा का सारा काम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने है, और मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपके पास आदमियों की संख्या है, औरतों की संख्या है, तो और किसी काम को पूरा करने का समय आपके पास है, तो आप लोग डायरेक्ट ही उस संख्या को समय के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका कुल काम निकल कर आपके सामने आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन से मुझे कुल काम निकालना हो, तो मैं क्या काम करूंगा स्टूडेंट्स, इस 40 की इस 40 में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, और मेरे इस क्वेश्चन का कुल काम आ जाएगा आपके सामने स्टूडेंट्स, कितना, 1600। यानी कि इस क्वेश्चन का जो कुल काम है वो कितना है स्टूडेंट्स, 1600 है। अब क्वेश्चन के जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया है लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ये 40 लोग काम करना शुरू करेंगे और इनको काम करते करते 10 दिन का समय होगा, तुरंत 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएंगे। फिर आगे इस तरह से चलता जाएगा, यानी कि फिर 35 व्यक्ति बचेंगे 10 दिन के बाद, फिर 35 व्यक्ति 10 दिन तक काम करेंगे, फिर 5 व्यक्ति चले जाएंगे, फिर 30 बचेंगे, वे 30 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे, 10 दिन तक, फिर 25 बचेंगे। इस तरह से 5-5 व्यक्ति क्या होते जाएंगे, इस 40 आदमियों में से कम होते जाएंगे प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर। तो स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट 40 लोग ही काम शुरू करेंगे, तो देखिए ध्यान से, 40 लोगों ने काम शुरू किया और 40 लोग 10 दिन तक काम करेंगे, तो 10 दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे, 40 की गुणा 10 में करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 400। यानी कि 40 आदमी 10 दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे, 400 काम कर लेंगे, और क्वेश्चन की शर्त के अकॉर्डिंग हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएंगे। अगर 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएंगे, तो 5 व्यक्ति जब चले गए, तो 40 में से 5 गए तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 35 बचेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगले 10 दिन तक सिर्फ 35 व्यक्ति काम करेंगे। तो ये 35 व्यक्ति 10 दिन में कितना काम कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये 35 व्यक्ति 10 दिन में कर लेंगे आपका 350। और देखिए, फिर 10 दिन कंप्लीट हो गए, फिर 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएंगे, तो अब कितने व्यक्ति काम पर बचेंगे, 30, और ये 30 व्यक्ति 10 दिन तक काम करेंगे, और 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 300। और इस तरह से 5 व्यक्ति फिर काम छोड़कर चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 25 मैन। अब 25 मैन 10 दिन तक काम करेंगे, तो ये 10 दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे, ये 10 दिन में कर लेंगे आपका 250 वर्क्स, यानी कि 250 काम। और फिर 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 20 मैन। तो ये 20 मैन 10 दिन तक काम करेंगे, तो 10 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, ये 10 दिन में करेंगे 200 काम, यानी कि 200। और अब आपको जरा इस कैलकुलेशन को करते करते एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आप लोगों को साथ ही साथ ये काम भी जोड़ते हुए चलना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये काम आपका इस 1600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन का जो कुल कार्य है वो कितना है, 1600 है। तो करना सिर्फ कितना काम है, 1600 है, 1600 से ज्यादा काम नहीं करना है। तो देखिए, 400 और 350, ये हो जाएगा आपका 750। 750 के अंदर 300 जोड़ेंगे तो ये 1050 हो जाएगा, और 1050 के अंदर अगर हम लोग 250 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 1300, और 1300 और 200 हो जाएगा आपका 1500। यानी कि अभी तक कितना काम हो चुका है, 1500 काम हो चुका है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहां 20 आदमी हो गए, अब आगे कितने आदमी काम पर आने वाले हैं, 15। और 15 आदमी अगर 10 दिन तक काम करेंगे, तो 15 आदमी 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 15 आदमी 10 दिन में कर लेंगे 150 काम। लेकिन आप लोग जरा मुझे बताइए कि यहां तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है, तो आप कहेंगे भैया यहां तक 1500 काम कंप्लीट हो चुका है। काम है कितना टोटल, 1600। 1600 में से 1500 काम हो चुका है, तो अभी भी कितना काम बचा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया अभी भी काम बचा हुआ है 100। अभी भी कितना काम बचा हुआ है, 100। अगर मैं इन 15 आदमियों से 10 दिन तक काम कराता हूं, तो ये 15 आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे, 150, जबकि मुझे काम कराना कितना है स्टूडेंट्स, 100।
तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं 15 आदमी से 10 दिन तक काम करूंगा तो ज्यादा काम कर लेंगे वो, लेकिन मुझे ज्यादा काम नहीं कराना है, मुझे काम कितना कराना है स्टूडेंट्स, मुझे काम कराना है 1600। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं देखूंगा कि इस 100 काम को, क्योंकि हमारा जो शेष काम है वो शेष काम कितना बचा हुआ है, 100 काम बचा हुआ है, और मेरे पास कितने आदमी बचे हुए हैं अभी भी काम करने के लिए, मेरे पास बचे हुए हैं 15 आदमी। तो मैं कहूंगा कि इस 100 काम को 15 आदमी कितने समय में पूरा कर लेंगे, उस समय को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको 5 से काटने वाला हूं, 5 3 15, 5 से काटूंगा तो 20, और देखिए 3 6 18, 3 6 18, और 2 बचेगा 2/3 दिन, यानी कि जो बचा हुआ काम है, ये जो 100 काम है, इस काम को 15 आदमी कितने समय में पूरा कर लेंगे स्टूडेंट, 6 से ही 2/3 दिन। क्या हमसे यही क्वेश्चन पूछा था, क्या हमसे इसी क्वेश्चन को पूछा है स्टूडेंट्स? देखिए हमसे इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए काम यानी कि पूरा काम, इस 1600 काम को पूछा है कि 1600 काम कितने समय में पूरा होगा, तो 1600 काम का हमें आंसर बताना है। तो ध्यान से देखिए, 1600 में से इस 1500 काम को पूरा होने में कितना समय लगा है, 10 20 30 40 50, यानी कि इस 1500 काम को पूरा होने में कितना समय लगा है, 50 दिन का, और बाकी के इस बचे हुए 100 काम को पूरा होने में कितना समय लगा है, 6 से ही 2/3। अब अगर मुझे इस सारे काम को पूरा होने का समय बताना है तो मैं क्या काम करूंगा, इस 6 से ही 2/3 में 50 डेज यानी कि 50 दिनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा जो फाइनली उत्तर आएगा वो आएगा 56 से ही 2/3 दिन, यानी कि ये सारा काम इस एग्जामिनर की शर्त के अकॉर्डिंग अगर इस काम को पूरा करा जाए तो ये सारा काम पूरा होने में कितना समय लेगा, 56 से ही 2/3 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। एक बार आप लोग मेरे चैनल से समय और कार्य को पढ़िए, पूरी सारी के सारी क्लासों को, सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं सबके नोट्स बनाइए प्रॉपर, और बातों को बिल्कुल ध्यान से समझें, फिर देखिए आप लोग चाहे कोई भी किताब उठा लीजिए, मार्केट की कोई भी किताब आप लोग करेंगे तो आप लोग लगभग सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क का, वो कुछ इस तरह से होता है M1 D1 H1 upon W1 इज इक्वल टू होता है M2 D2 H2 upon W2, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि MDH, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MDH कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें M का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, और इस W का मतलब क्या है उसको समझेंगे। देखिए M, M जो होता है, ये M होता है काम करने वाला, इसको बोलेंगे हम लोग काम करने वाला, काम करने वाला, ये जो हमारा M होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काम करने वाला। इसमें कोई कारीगर हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर बच्चे भी हो सकते हैं। D का मतलब होता है डे, डे यानी कि दिन, क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, D का मतलब क्या होता है, डे, डे यानी कि दिन। और H का मतलब होता है आवर्स यानी कि घंटे, और W का सभी को पता ही है कि W का मतलब होता है वर्क, वर्क यानी के कार्य। और आपको इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा उसको समझिए। आपसे कहेगा कि भाई 10 आदमी हैं, वो प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं और किसी काम को दो दिन में पूरा कर लेते हैं, और बताइए इसी काम को कितने व्यक्ति दो दिन में प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस कॉन्सेप्ट की एक और खास बात है कि आपको यहां पर जरूरी नहीं है कि ये चारों के चारों वेरिएबल प्रत्येक क्वेश्चन में दिए जाएं, वो आपको यहां से 2 वेरिएबल भी दे सकता है, आपको 3 वेरिएबल भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको वर्क दे यानी कि कार्य दे, आपको जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर वो आपको क्या दे, दिन दे, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे, घंटे दे। आपको क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 50 आदमी उस काम को कितने समय में करेंगे,
या आपको क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि 20 आदमी 10 दिन में 650 कुर्सियां बनाते हैं, तो इसी तरह से 20 आदमी 10 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि भाई इन चारों में से कोई भी वेरिएबल वो वहां पर क्या कर सकता है, मिस कर सकता है। तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं इसी के एक क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 12 बढ़ी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। अब देखिए यहां पर 12 बढ़ी दिया गया है, बड़ी का मतलब यानी कि कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि भाई 12 बड़ी 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 460 कुर्सियां बनाता है, तो यहां पर जो बड़ी का काम है वो कुर्सी बनाने का है, यानी कि उसने कितनी कुर्सी बनाई है, 460 कुर्सी बनाई है। तो यानी कि बड़ी ने जो काम किया है वो कितना काम है उसका, उसका काम है 460 कुर्सी। तो यहां पर जो उसके W की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी, 460। और बड़ी यानी कि जो कारीगर है, काम करने वाला कौन है, बड़ी है। और बड़ी की संख्या कितनी दी गई आपको, 12 दी गई है। इस तरह से जो घंटे दिए गए आपको 6 दिए गए हैं, और दिनों की संख्या कितनी दी गई आपको, 240। तो आप लोग यहां पर इस वाले फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर फटाफट से अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए M की वैल्यू कितनी दी गई है, 12, यानी कि 12 बढ़ी, कितने बढ़ी स्टूडेंट्स, 12 बढ़ी कितने घंटे काम करते हुए, 6 घंटे काम करते हुए, और कितने दिनों में, 240 दिनों में। तो देखिए यहां पर D की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 240, और कितने घंटे हैं, 6 घंटे, और कितनी कुर्सी बना ली उन लोगों ने, उन्होंने बनाई है 460 कुर्सी। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये पहली वाली वैल्यू हम लोगों ने यहां पर क्या कर दी है, फिल कर दी है। अब देखिए दूसरी दूसरी जो वैल्यू दी गई होंगी आपको, दूसरी वैल्यू में इन चारों में से कोई एक वैल्यू क्या कर देगा, वो मिस आउट कर देगा, छोड़ देगा, उसी को हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है। तो देखिए क्या कह रहा है वो आपसे, कह रहा कि भाई 18 बढ़ी, तो यानी कि M2 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 बढ़ी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी दी उसने हमें यहां पर, 360, और कितने घंटे काम करते हुए, 8 घंटे काम करते हुए कितनी कुर्सियां बनाएंगे, कितनी कुर्सी यानी कि हमसे काम पूछा है, यानी कि W2 की वैल्यू हमसे यहां से पूछी है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर W2 इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो भी कट रहा है, जो भी कॉमन है उसको काट लेंगे, और अपनी यहां पर हमें इस यहां पर वैल्यू निकालनी होगी किसकी, W2 की, यानी कि W2 की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स जीरो से जीरो कट जाएगा, काट सकते हैं हम लोग, और देखिए जो भी इसमें कट रहा है उसको काटेंगे हम लोग, इसको हम लोग दो से काट लेंगे, 2 6 12, और 2 से काटेंगे तो 23 बार कट जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो कॉमन है उसको भी काट लेंगे हम लोग यहां से, 6 एकम 6 होता है, 6 3 18, आमने सामने भी हम लोग काटेंगे इसको। अब देखिए और कट रहा है तो और काट लीजिए, 6 एकम 6, 6 से 6 36, यानी कि 60 बार कट जाएगा। और देखिए जो भी कुछ कॉमन है सबको काटना है हमें, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, और 8 एकम 8, 8 से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर क्या बचा हमारा, यहां पर बचा 23, और यहां पर ऊपर कुछ नहीं बचा, यहां पर भी ऊपर कुछ नहीं बचा, और लेकिन यहां पर अभी भी क्या बचा हुआ है, यहां पर 60 बचा हुआ है, यहां पर 23 भाग में है और इधर 60 में जाकर गुणा करेगा, और यहां पर एक बचा हुआ है, ये W2 एक में जाकर गुणा करेगा, तो W2 इज इक्वल टू हमारा आने वाला है 23 गुणा 60। बस 23 की 60 में गुणा कर देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई यहां से, 6 3 18 का 8 हासिल गया 1, 6 2 12 1 13, यानी कि 1380 कुर्सियां बनाएंगे। कितनी कुर्सियां बनाएंगे स्टूडेंट्स, 1380 कुर्सी बनाएंगे। क्वेश्चन ये था कि भाई यदि 12 बढ़ी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे 460 कुर्सियां 240 दिन में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 1380 कुर्सियां बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। 3-4 क्वेश्चन हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में कहा गया है कि 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर स्टार्टिंग में कितने M की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, काम करने वाले कितने लोग हैं, 639, तो हम लोग लिखेंगे 639 व्यक्ति
कितने घंटे काम करते हुए? 5 घंटे काम करते हुए। 5 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में? 12 दिनों में। 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत करते हैं। अब यहां पर हमें W की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर W की वैल्यू नहीं दी गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए, अगर W वाली वैल्यू नहीं दी है तो उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इस वैल्यू को। आप लोग आगे बढ़ते हैं। अगली जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहा गया है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए, 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? कितने दिनों, यानी कि दिनों की संख्या पूछी है, यानी कि D2 की वैल्यू आपसे पूछी है। आप लोग यहां पर सिंपली क्या कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे और जो भी यहां पर कॉमन है सबको काट लेंगे। तो देखिए सब लोग, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 10 से कटेगा 3 बार और 3 से इसको भी काट सकते हैं हम लोग। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तीया 9, यानी कि D2 की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपकी 213 दिन आ गई। यानी कि कितने समय में कंप्लीट होगा काम? 213 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, 8 पुरुष 9 घंटे काम करके, 8 पुरुष कितने घंटे काम करके? 9 घंटे काम करके, प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे? यानी कि D2 की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो बस जो भी कट रहा है उसको काट लेंगे आप लोग, और जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दीजिए आप लोग यहां से। चलिए, 10 घंटे प्रतिदिन काम, देखो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, और कुछ कट रहा है तो काट लेंगे आप लोग, और जो नहीं कट रहा तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, 8 निम 72, 72 की 2 में गुणा करेंगे 144, और स्टूडेंट्स ये 7 यहां गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? D2, और 7 से हम लोग इसको काट सकते हैं, मतलब भाग कर सकते हैं। 7 दूनी 14, ना जाने की 0, 4/7 दिन। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया स्टूडेंट्स? वो हो गया 20 सही 4/7 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस तरह का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि यदि पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके, यदि पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी यूनिट काम करते हैं। अब की बार हमें काम दिया गया है, आप सभी को पता है कि काम को कहां रखना होता है? बटे के नीचे। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर पी यूनिट काम करते हैं। तो एन पुरुष एन दिनों में एन घंटे काम करते हुए कितने यूनिट काम पूरा करेंगे, आपसे पूछा गया है। काम करके कितने यूनिट काम पूरा करेंगे? तो W2 की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। आपसे पूछा गया कितने यूनिट काम करेंगे, तो आपको इसका मतलब यह है कि W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग लिखेंगे W2 यहां पर बटे के नीचे। अब इसमें जो भी कॉमन है उसको काट लेंगे हम लोग। देखिए, इस पी से इस पी को हम लोग काट सकते हैं, पी की पी में गुणा होगी तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और पी यहां पर जो एन है वो 3 बार है, तो क्या हो जाएगी यहां पर? एन का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे तो एन का क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये यहां पर गुणा में है तो स्टूडेंट्स यहां पर आएगा तो भाग में आएगा, तो हम बोलेंगे एन क्यूब इज इक्वल टू यहां पर 1/W2। लेकिन हमें W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग W2 को इधर भेजेंगे, P2 इधर आएगा, एन क्यूब इसके ऊपर आ जाएगा। तो W2 की जो वैल्यू आने वाली स्टूडेंट्स वो आ जाएगी एन क्यूब अपॉन पी स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ध्यान से करें तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की जरूरत पड़ेगी? चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जो ठेकेदार होगा उसको कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है? 5 किलोमीटर, और उसने कितने दिनों का ठेका लिया है? उसने ठेका लिया है 100 दिनों का, यानी कि उसको 100 दिनों में सड़क बनाकर तैयार करके देनी है।
लेकिन उसने जो है उस काम को पूरा करने के लिए कितने मजदूर काम पर लगाए हैं? 280। अब 280 मजदूरों को काम पर लगा दिया है और 280 मजदूरों ने काम करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन जब उन्हें काम करते 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 80 दिन होते हैं तो ठेकेदार आकर अपनी साइट पर देखता है कि भाई इन 280 मजदूरों ने 80 दिन में कितनी सड़क बनाई है, तो देखता है कि उसने सड़क बनाई है 3.5 किलोमीटर। अब जब ठेका 5 किलोमीटर सड़क का था, 3.5 किलोमीटर सड़क बन चुकी है 80 दिनों में, तो उस ठेकेदार के पास अभी भी कितना समय बचा हुआ है? तो आप कहेंगे कि भाई उसके पास समय बचा हुआ है 20 दिन का। लेकिन 20 दिन का तो समय बचा हुआ है और सड़क अभी भी कितनी बची हुई है? तो सड़क बची हुई है अभी भी 1.5 किलोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन को कर लेते हैं हम यहां से। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा कि 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया होगा, यानी कि M की वैल्यू है ये, 280 मजदूरों को काम पर लगाया हो गया होगा, और 280 मजदूरों ने कितने दिनों तक काम किया होगा? 80 दिनों तक, क्योंकि जो ठेकेदार है उसने 80 दिनों के बाद आकर ये देखा है। अगर उसने 80 दिनों के बाद आकर ये देखा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि काम जो है वो पूरे 80 दिनों तक चला है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए 80 दिनों में कितना काम कंप्लीट हो गया है। ये M की वैल्यू हो गई, ये D की वैल्यू हो गई, और अब आपके जो आने वाली है वो आने वाली है W की वैल्यू। तो देखिए 280 मजदूरों ने 80 दिनों में कितना काम कंप्लीट करा है? तो आप कहेंगे भैया उन्होंने जो सड़क बनाई है वो बनाई है 3.5 किलोमीटर। मैं 3 से 1/2 को 3.5 भी लिख सकता हूं। चलिए अब देखिए आगे देखिए उस ठेकेदार के पास कितना समय शेष है? तो आप कहेंगे भैया उसके पास समय शेष है 20 दिन का, क्योंकि उसका ठेका कितने का है? 100 दिन का। 100 में से 80 दिन काम हो चुका है तो बचा कितना उसके पास समय? 20 दिन का समय बचा। अब देखिए 5 किलोमीटर की सड़क बननी थी, 3.5 किलोमीटर बन चुकी है, तो अभी भी सड़क कितनी शेष है? 1.5 किलोमीटर। लेकिन उस ठेकेदार को ऐसा लगा कि भाई 20 दिनों में मेरे 280 मजदूर सारी सड़क को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो अब उसे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक्स्ट्रा मजदूरों को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो वो क्या करेगा? काम को समय पर पूरा करने के लिए मजदूरों की संख्या को बढ़ाएगा, और वो जैसे ही मजदूरों की संख्या को बढ़ाएगा तो काम क्या हो जाएगा? समय पर पूरा हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि वो जो बढ़ाए गए मजदूर हैं उनकी संख्या क्या है। चलिए करते हैं। देखिए अब मेरे पास पहले से ही कितने मजदूर हैं? तो 280 मजदूर पहले से ही काम पर लगे हुए हैं, हमें और एक्स्ट्रा मजदूर जोड़ने की जरूरत है, तो उन एक्स्ट्रा मजदूरों की संख्या का तो हमें पता नहीं, तो हम लोग उनकी संख्या के रूप में एक्स को यहां पर ऐड कर लेंगे। तो मैं कहूंगा कि 280 मजदूर पहले से ही कार्यरत हैं और स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहां पर एक्स मजदूरों को और काम पर लगा दिया, तो अब की बार मेरे एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट 280 प्लस एक्स। अगर वो इसी क्वेश्चन में मजदूरों को हटाने की बात करता तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर माइनस का साइन लगाते, अगर जोड़ने की बात करता यानी कि मजदूरों की संख्या को बढ़ाने की बात करता तो हम लोग यहां पर प्लस का साइन लगाते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए M की वैल्यू हो चुकी है और मेरे पास जो समय बचा हुआ है स्टूडेंट्स, मेरे पास समय बचा हुआ है अभी भी 20 दिन का, और जो मेरे पास काम बचा हुआ है वो काम बचा हुआ है कितना? 1.5 किलोमीटर। देखिए 3.5 किलोमीटर सड़क बन चुकी है पहले ही, अब कितनी बची हुई है? 1.5 किलोमीटर। 100 दिन थे काम करने के लिए, 80 दिन हो चुके हैं पहले ही, 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब इनको इक्वल करेंगे, यहां से जो भी कॉमन है उसको काट लेंगे हम लोग यहां से। सब लोग ध्यान से देखें, 20 से कम 20 होता है, 20 चौक 80, और देखिए पॉइंट से पॉइंट हम लोग यहां काट सकते हैं, 5 3 15 होता है, और 5 7 35, और 7 से काटेंगे 7 चौक 28 यानी कि 40 हो गया। यहां से सब कुछ कट गया भाई। अब देखिए जो भी कट रहा है उसको काटेंगे हम लोग, 4 चौक 16 यानी कि 160, ये 3 भाग में इधर आके गुणा करेगा, 16 3 48 यानी कि 480 इधर आ जाएगा आपका। 480 इज इक्वल टू 280 प्लस कितना स्टूडेंट्स? एक्स। ये 280 प्लस का है इधर आके माइनस का, तो 480 में से 280 गया तो स्टूडेंट्स बचेगा आपका 200। तो एक्स की जो वैल्यू हमारे सामने आ गई स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई? 200। तो मैं कहूंगा कि इस काम को समय पर पूरा करने के लिए उस ठेकेदार को कितने मजदूर अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे? तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स 200 मजदूर, यानी कि 200 मजदूर अगर वो अतिरिक्त लगाता है तो काम बिल्कुल 100 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं एक इसी तरह के और एक क्वेश्चन की ओर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा दूंगा।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 200 लोगों को काम पर लगाता है। 50 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल एक चौथाई काम हो पाया है। कितना काम हो पाया स्टूडेंट्स? एक चौथाई काम हो पाया है। तो देखिए एक व्यक्ति ने ठेका कितने दिनों का लिया है? 150 दिनों का, और 150 दिनों में काम पूरा करना है उसको, और 150 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसने कितने मजदूर काम पर लगाए हैं? 200 लोगों को काम पर लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए दिनों की संख्या तो कितनी है उसकी? 150, और लोग कितने उसके पास, यानी कि मजदूर कितने उसके पास? तो आप कहेंगे 200 लोग हैं। तो देखिए 200 लोगों को काम पर लगाया, लेकिन 50 दिनों के बाद वह पाता है कि एक चौथाई काम पूरा हो पाया। देखिए समझेंगे आप लोग से भी, देखिए 200 लोगों को काम पर लगाया और उसने कब देखा जाकर? 50 दिनों के बाद, यानी कि m की वैल्यू और d की वैल्यू, यानी कि 200 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम करा होगा? 50 दिन तक काम करा होगा, क्योंकि ठेकेदार ने 50 दिन के बाद देखा है ना। ठेकेदार को कब पता लगा कि एक चौथाई काम हुआ है? 50 दिन के बाद। तो इसका मतलब ये है कि जो 200 लोग हैं उन्होंने 50 दिन तक काम किया होगा। तो यहां से m की वैल्यू आ गई, और यहां पर किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स आपकी? यहां पर आ गई आपकी d की वैल्यू। और देखिए उन्होंने कितना काम पूरा करा है? एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब होता है 1/4। यहां पर आ गई आपकी W की वैल्यू। और इसी तरह से आपसे कह रहा है कि केवल एक चौथाई काम हो पाया है, तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा? चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, उसने ठेका कितने दिनों का लिया था? उसने ठेका लिया था ठेका लिया था 150 दिनों का। अब 150 में से 50 दिन तो हो चुके हैं, तो उस ठेकेदार के पास अभी भी कितने दिन शेष हैं? तो आप कहेंगे 100 दिन उसके पास अभी भी बचे हुए हैं। और देखिए काम जो है वो 1/4 हो चुका है। अब 1/4 हो चुका है तो इसका मतलब समझें कि 1/4 काम हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि कुल काम कितना है हमारा? 4। अब 4 में से कितना हो चुका है? 1, तो बचा कितना होगा? बचा होगा स्टूडेंट्स आपका 3/4, यानी कि 4 काम था, 4 में से 1 हो चुका, तो बचा कितना है? 3 बचा हुआ है। 3 बचा हुआ है कितने में से? 4 में से। तो मैं कहूंगा अभी भी हमारा जो काम बचा हुआ है वो 3/4 बचा हुआ है। तो मैं कहूंगा अभी भी जो काम शेष है वो बचा हुआ कितना? 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 50 दिन काम हो चुका है, दिन उसके पास कितने थे? 150। तो अभी भी उसके पास कितना शेष समय है? उसके पास समय जो शेष है वो है 100 दिन का। अब हमसे कहा है कि मजदूरों की संख्या को तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा, यानी कि कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर और जोड़ना होगा। तो हमारे पास 200 मजदूर तो पहले से ही हैं, तो हम लोग 200 मजदूरों के साथ कुछ अन्य मजदूरों को जोड़ देंगे एक्स के रूप में। तो बस अब यहां से हमें क्या कर देना है, इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देना। देखिए 4 से 4 कटता है, और देखिए जो भी कट रहा है उसको काट लेंगे। 100 एकम 100, 100 से पूरा 2 बार कट जाता है, ये हो जाएगा 50 दूनी 100, ये 3 भाग में, तो ये 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 200 प्लस कितना स्टूडेंट्स? एक्स। अब देखिए 200 प्लस में इधर आके माइनस का, 300 में से 200 गया तो कितना आ जाएगा आपका? 100। और एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 100। यानी कि अगर इस काम को समय पर पूरा करना है तो कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाने होंगे? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100। 100 मजदूरों को काम पर लगाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया है, एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों के बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग काम को खत्म कर दिया है, तो काम समय पर खत्म हो सके इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? स्टूडेंट्स अब की बार उसको लोगों को काम पर से क्या करना है? हटाना है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि काम पर व्यक्तियों को क्या करा था? जोड़ा गया था। तो हम लोगों ने वहां पर अतिरिक्त एक्स को क्या किया था? वहां पर स्टूडेंट्स प्लस किया था। अब की बार हम लोग एक्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो चलिए उसने कितने दिनों का ठेका लिया है? 92 डेज का ठेका लिया है। कितने लोगों को काम पर लगाया है? 110 लोगों को काम पर लगाया है। और उसने कब देखा? 48 दिनों के बाद उसने देखा। 48 दिनों के बाद जब उसने देखा तो कितना काम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? 3/5 काम कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि 110 लोगों ने 48 दिनों तक काम किया होगा, और 48 दिन में उन लोगों ने कितना काम कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स? 3/5 काम कंप्लीट कर लिया।
और आगे बढ़ते हैं। अब की बार हमें मजदूरों की संख्या को क्या करना है, कम, तो हम 110 में से क्या कर देंगे, एक्स को घटा देंगे। अगर हमें इसी क्वेश्चन में मजदूरों की संख्या को क्या करना होता, बढ़ाना होता, तो हम लोग 110 में एक्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस करते हैं। और देखिए अभी भी मेरे पास कितना समय बचा हुआ है, तो 92 डेज का ठेका था, 48 दिन काम हो चुका है, तो 92 माइनस 48 यानी के 44। और देखिए कितना काम हो चुका है, तीन काम हो चुका है, कितने में से, पांच में से। तो काम कितना बचा होगा, दो काम बचा होगा, कितने में से, पांच में से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो भी इसमें कॉमन है काट लेंगे हम लोग यहां से। देखिए पांच से पांच कैंसिल आउट हो जाएगा, तीन से अगर मैं काटूंगा, तीन एकम तीन, तीन सिंह 18, 16 बार कट जाएगा। दो से काटूंगा तो ये कट जाएगा स्टूडेंट्स आपका 22 बार, और 22 एकम 22 होता है, 22 पंजे 110 होते हैं, 16 पंजे 80 होता है, इज इक्वल टू 110 माइनस एक्स। अब देखिए ये माइनस का एक्स है, इधर आके बच्चे प्लस का हो जाएगा, और ये 80 इधर प्लस का होगा, इधर जाके माइनस का होगा, तो एक्स बराबर 110 माइनस 80 इज इक्वल टू 30, यानी कि कितने मजदूरों को काम पर से हटाना पड़ेगा, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30। चलिए स्टूडेंट्स समय आ चुका है आज की क्लास को रोकने का, तो स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।